Hello students, you all are welcome here. So we were discussing the age of industrialization chapter of history. So हम लोगों ने अपना discussion start कर दिया था and I have discussed a lot about the background of the industrialization, the pre-industrialization phase, the main factors behind the process of progress of the industrialization. तो काफ़ी चीज़ें मैंने आपके साथ discuss की थी and I hope आपको वो समझ में भी आया होगा. और इनफैक्ट मैंने आपसे कुछ 2 or 3 क्वेश्चंस भी पूछे थे बट आई एम डिसअपॉइंटेड विद योर रिस्पॉन्स. जस्ट 2 or 3 स्टूडेंट्स हैव आंसर्ड द क्वेश्चंस एंड दे हैव आंसर्ड द राइट आंसर सो प्लीज़ ट्राई टू एक्सप्लोर योर सेल्फ, ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर्स. ठीक है, मैं तो बता ही दूंगी आपको बट बींग द स्टूडेंट इट इज़ योर ड्यूटी कि अगर आपसे कोई कुछ चीज़ पूछी जा रही है तो दैट मीन्स इट इज़ एन एक्सपेक्टेशन ऑफ द टीचर कि आपको उतना आता होगा या आपको उतना मतलब आप उतना कर सकते हो, दैट्स वाई आपसे वो चीज़ें एक्सपेक्ट की जा रही हैं. तो प्लीज़ आप उसको फुलफ़िल करिए जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं और जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, आप लोगों को जो भी होमवर्क दिया जा रहा है उनको आप लोग कंप्लीट करिए. ओके, सो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया था प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज क्या था, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मीनिंग क्या था और इंडस्ट्रियलाइजेशन को का जो प्रोग्रेस हुआ था, मतलब ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था इसके मेन फैक्टर्स क्या थे और कैसे कॉटन, आयरन और आपका जो स्टील था, कोल था, ये कुछ जो मिनरल्स थे, ये जो कुछ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी इंडिया का, इन्होंने कैसे एक बहुत बड़ा एक बहुत कंट्रीब्यूटिंग रोल प्ले किया था इन फॉर द इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलपमेंट इन द इंग्लैंड एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज़. तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा. सो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं. हम लोग फर्स्ट फेज तक बात कर चुके थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन का सेकंड फेज क्या था वो पढ़ चुके थे. आज हम लोग अपना थर्ड फेज पढ़ेंगे, फिर फोर्थ फेज पढ़ेंगे, फिर कैसे कोयले जो कोल था उसने क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था वो सब चीज़ें पढ़ेंगे. और जो वर्कर्स थे, यानी कि जो भी लोग अब माइग्रेंट जो वर्कर्स थे जो कंट्री साइड से अब सिटी एरिया टाउन एरिया में माइग्रेट कर रहे थे, पलायन कर रहे थे, उन लोगों की जो लिविंग कंडीशंस थी वो क्या थी, तो वो सारी चीज़ें आज हम लोग क्या करेंगे डिटेल में डिस्कस करेंगे. ओके, सो जब भी आप देखिए. और इसके अलावा मैंने आपको कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बताई थी, कुछ लोगों के इन्वेंटर्स के नाम बताए थे कि जैसे कॉटन मिल किसने इस्टेब्लिश करी थी. ओके, और उसके अलावा जो स्टीम इंजन थे और जो रेलवे थे, ये सब चीज़ें कब आई थी और कब किसने इसको इन्वेंट किया था, सारी चीज़ें मैंने आपको टू द पॉइंट बताई थी. तो जो भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि देखिए आपका जो एग्ज़ाम होगा दैट विल बी द ऑब्जेक्टिव बेस्ड एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम होगा, तो आपके लिए जो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं ये तो बिल्कुल सीधे आपको मैं वीडियोज़ में और वर्कशीट्स के थ्रू मैं आपको करवा ही रही हूँ. लेकिन देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कॉन्सेप्चुअल होती है और कॉन्सेप्चुअल इन्फॉर्मेशन को फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो एक एक वर्ड, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है मेरी जो भी मैं आपको बताती हूँ. और देखिए सबसे बड़ा जो मतलब मुझे जो चीज़ें समझ में आती है वो ये आती है कि मैं आपको कब मतलब फुल्ली बुकिश नहीं पढ़ाती हूँ, तो मैं बुक के साथ साथ आपको जो भी करंट में चीज़ें ऐड चल रही हैं तो वो सारी रिलेट करके पढ़ाती हूँ. तो इसलिए चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अल्टीमेटली जो पेपर बनता है वो प्रेजेंट ट्रेंड क्या चल रहा है, आज की डेट में क्या कंडीशंस हैं. तो आपका जो स्टैटिक पोर्शन है, जो मतलब आपका जो बेसिक पोर्शन है, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, तो बेसिक को फोकस करके करंट में जो चीज़ें चल रही हैं तो करंट को हाईलाइट करके बेसिक पे को फोकस करके क्वेश्चंस डेवलप किए जाते हैं, क्वेश्चंस अराइज किए जाते हैं. तो उस तरीके से आपको अपनी स्टडी को प्लान कर रहा है, तो उसमें मैं काफ़ी आप लोगों के लिए कर रही हूँ. तो अब आपसे एक्सपेक्टेशंस ये है कि जो आपको करवाया जा रहा है आप बस उसी को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करिए और अपने माइंड को सेट करिए. ओके, हाँ, सो लेट्स प्रोसीड अवर डिस्कशन फर्दर. सो हम लोगों ने फर्स्ट और सेकेंड फेज पढ़ लिया था इंडस्ट्रियलाइजेशन का. अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड फेज. तो देखिए थर्ड फेज में क्या होता है, ये जो चेंजेस हो रहे थे उस टाइम इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पे, यानी कि जो 17th-18th सेंचुरी में चेंजेस हो रहे थे ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ में, यानी जो पुरानी हैंडलूम इंडस्ट्रीज़ थी, कॉटेज इंडस्ट्री थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ थी, तो ये जो चेंजेस हो रहे थे ये स्टीम पावर्ड कॉटन में नहीं हो रहे थे, ना ही मेटल इंडस्ट्रीज़ में चेंजेस हो रहे थे. ठीक है, यानी कि जो चेंज था वो स्टीम पावर जो कॉटन मिल्स लगी थी, जो मेटल इंडस्ट्रीज लगी थी, यानी स्टीम जो मतलब स्टीम इंजन डेवलप हुआ था ना, तो उसकी वजह से मतलब जो चेंज था वो उतना फास्ट नहीं था. जो ऑर्डिनरी और स्मॉल छोटे छोटे जो इनोवेशंस थे, जो बहुत आम इन्वेंशंस हो रही थी, आविष्कार किए जा रहे थे, ठीक है, ये बेसिस थे. किसके बेसिस थे, दे वर द बेसिस ऑफ द ग्रोथ इन मैनी, यानी जो जो नॉन मैकेनाइज्ड सेक्टर्स थे, जैसे फूड प्रोसेसिंग हो गया,
बिल्डिंग हो गया, पॉटरी, ग्लास वर्क, टैनिंग, फर्नीचर मेकिंग और प्रोडक्शन ऑफ इम्प्लीमेंट्स, यानी इन सारे के सारे, ये जो सारे के सारे इंडस्ट्रीज थी, सारा का सारा जो प्रोडक्शन था, यहाँ पर जो छोटी छोटी इनोवेशंस हुए थे, छोटे छोटे जो मतलब डेवलपमेंट्स हुए थे, नए नए इन्वेंशंस हुए थे, नए नए एक्सपेरिमेंट्स जो हुए थे, वो बेसिस थे इन सारे सेक्टर्स में जो ग्रोथ हो रही थी उस टाइम में, यानी कि थर्ड फेज में। फिर नेक्स्ट इसमें आता है कि जो अब नेक्स्ट आता है फोर्थ फेज। तो देखिए, अब जो टेक्नोलॉजी थी, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही थी थोड़ा धीरे धीरे, एकदम से रैपिड चेंज आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेस होते हैं वो ग्रेजुअली चेंज होता है, धीरे धीरे चेंज होता है। तो दे डिड नॉट स्प्रेड ड्रामेटिकली अकर द इंडस्ट्री। तो जो चेंजेस हो रहे थे वो एकदम से मतलब चारों तरफ एक्सपेंड नहीं हुए, चारों तरफ नहीं फैले थे, धीरे धीरे करके चीज़ें जो थी वो लोगों की नॉलेज में आ रही थी। ठीक है, अब जो नई टेक्नोलॉजी थी, देखिए प्रॉब्लम क्या होती है, टेक्नोलॉजी तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कोई भी इन्वेंट कर ले, कोई भी नया एक्सपेरिमेंट कर ले, बट प्रॉब्लम ये होती है जब कोई चीज़ फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस की जाती है, तो इट बिकम्स वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम होता है तो एक्सपेंसिव होती है। जो मर्चेंट्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो बहुत ज़्यादा कॉशियस थे, मतलब बहुत ज़्यादा दे पीपल अवेयर, सावधान थे किस चीज़ के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में। क्योंकि देखिए, जब आप इतना ह्यूज अमाउंट, एक बहुत बड़ा पैसा खर्च करेंगे, तो ऑब्वियसली आप जो होंगे बहुत ज़्यादा सावधान रहेंगे, बहुत ज़्यादा अवेयर रहेंगे चीज़ों के इस्तेमाल के बारे में, कैसे उसको यूज़ करना। यू नो, हम जब किसी चीज़ पर, कोई एक्सपेंसिव चीज़ होती है, तो उसकी बहुत केयर करते हैं, बहुत ज़्यादा उसको मतलब यू नो बहुत मेंटेन करके रखते हैं, बहुत ज़्यादा कॉशियस होते हैं उन चीज़ों के बारे में। क्यों? क्योंकि उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। फिर जो मशीन्स थी, ये अक्सर टूट जाती थी, इनकी रिपेयरिंग बहुत कॉस्टली होती थी, और ये जो मशीन्स थी, ये मतलब जो मशीन्स थी, दे वर नॉट एज इफेक्टिव एज देयर इन्वेंटर्स, एंड जो मशीन्स थी वो उतनी इफेक्टिव नहीं थी। क्योंकि देखिए, अभी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई है, फर्स्ट टाइम चीज़ें बनना स्टार्ट हुई है, तो उतनी इफेक्टिव नहीं थी मशीन्स थी, टेक्नोलॉजी जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट थे, जितनी उनके इन्वेंटर्स और जो मैन्युफैक्चरर्स थे वो क्लेम कर रहे थे। ओके, फिर नेक्स्ट क्या आता है, देखिए अब स्टीम इंजन और जेम्स वॉट। तो जेम्स वॉट ने क्या किया था, जो स्टीम इंजन था उसको इम्प्रूव्ड किया था। ठीक है, स्टीम इंजन जो किसने बनाया था फर्स्ट टाइम, न्यूकॉमेन ने, तो उसको इम्प्रूव्ड, जो उसका इम्प्रूव्ड वर्जन था वो जेम्स वॉट ने बनाया था 1781 में। फिर उनका जो इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंड थे मैथ्यू बोल्टन, देखिए नाम बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, एक एक नाम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो जेम्स वॉट ने इम्प्रूव्ड किया जो स्टीम इंजन न्यूकॉमेन ने बनाया था, और उसके बाद जो उनका फ्रेंड था, जेम्स वॉट का जो फ्रेंड था मैथ्यू बोल्टन, उन्होंने एक नया मॉडल बनाया। ठीक है, लेकिन कई सालों तक ये जो मॉडल था वो फेल होते रहे, जो उनके फ्रेंड थे वो फेल होते रहे। क्यों? क्योंकि उनको इस मशीन को ख़रीदने के लिए कोई बायर नहीं मिला। अब जो मोस्ट पावरफुल नई टेक्नोलॉजी आई थी, इसने बहुत टाइम लगाया था, मतलब देखिए कोई भी चीज़ जब नहीं आती है, एक्सपेंसिव होती है, तो लोग जो होते हैं, देखो यू नो पीपल आर वेरी मच एवर्सिव फॉर एक्सेप्टिंग द चेंज, लोग चेंज बहुत कम पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग हैबिचुअल होते हैं चीज़ों में, मतलब हैबिचुअल होते हैं किसी भी काम को करने के लिए, हमारा जो लाइफ स्टाइल है, हमारा जो लिविंग स्टाइल है, हम लोग उसी में मतलब यू नो हैबिचुअल है कि अच्छा इतने बजे उठना है, ये काम करना है, इसको करने का ये मेथड है, तो हैबिचुअल होते हैं। अब अगर उसमें ज़रा सा भी चेंज आता है तो हम लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, वी पीपल गेट डिस्टर्ब। तो यही सेम चीज़ वहाँ पर हुई थी कि टेक्नोलॉजी तो आ गई थी, लेकिन उसको एक्सेप्ट करने में इट वॉज टेकिंग टाइम। ठीक है, दिस प्रूव दैट वर्कर, अब इससे क्या होता है, जो 19th सेंचुरी में, मिड 19th सेंचुरी में, यानी 1850s के आसपास जो वर्कर्स थे, अब वो वर्कर्स तो ट्रेडिशनल, मतलब वो तो पुराने टाइप के क्राफ्ट पर्सनस थे, लेबरर्स थे, ये मशीन ऑपरेटर नहीं थे, मतलब इनको तो मशीन को ऑपरेट करना आता भी नहीं था, तो वो अपने मैनुअल लेबर में ही खुश थे। तो उनके लिए चेंज को एक्सेप्ट करना, नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना थोड़ा सा टफ हो गया था। फिर देखिए, यहाँ पर एक इमेज ली है मैंने हैंड लेबर और स्टीम पावर की, तो कैसे लोग जो हैं वो मतलब काम की तलाश में घूम रहे हैं, है ना, और मतलब क्योंकि देखिए अब टेक्नोलॉजी आ गई, तो मशीन जो है वो सब लोगों का काम कर देगी, उस मशीन को ऑपरेट करने के लिए आपको हार्डली एक या दो लोगों की ज़रूरत होगी, और बाकी के जो रेस्ट ऑफ द वर्कर्स थे वो लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम जो होता है टेक्नोलॉजी के साथ होता है, अदरवाइज अदर जो मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स होते हैं वो पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं।
फिर क्या होता है, जो बहुत सारे इंडस्ट्रीज थी यहाँ पर लेबर की डिमांड थी, कि अब कई इंडस्ट्रीज में लेबर की डिमांड सीजनल थी। सीजनल मतलब जब प्रोडक्शन होता था तभी लेबर्स की डिमांड होती थी, अदरवाइज क्या होता था, लेबर की डिमांड नहीं होती थी। फिर जो गैस वर्क था और जो ब्रीवरीज इंडस्ट्री थी, ये इन पर मेनली काम कब होता था, जब कोल्ड मंथ्स होते थे यानी विंटर्स जो थी, तभी उन्हीं मंथ्स में यहाँ पर ये जो इंडस्ट्रीज थी बहुत बिजी रहती थी, बहुत लार्ज क्वांटिटीज में प्रोडक्शन करती थी। तो इनको विंटर्स का जो मंथ था, जो कोल्ड मंथ्स था, तब इनको वर्कर्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती थी। तो वर्कर्स की जो डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा पीक पर होती थी, और मेनली जो बुक बाइंडर्स थे, प्रिंटर्स थे, और क्योंकि देखिए विंटर्स में क्रिसमस होता है तो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो जा, मतलब बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, और मतलब एक्स्ट्रा उस टाइम लेबर चाहिए होती थी दिसंबर से पहले, ताकि क्रिसमस तक आप जो है पूरा का पूरा मतलब आपके पास उतना प्रोडक्शन हो, इतना आपके पास प्रोडक्ट हो कि आप उसको मार्केट में सेल कर सके। और वाटर फ्रंट में भी विंटर जो टाइम था, यानी कि जो मतलब वाटर इंडस्ट्री थी या जो वाटर एरिया था, वहाँ पर भी जो शिपिंग इंडस्ट्री थी उसका काम भी विंटर्स में ही ज़्यादा होता था, शिप्स को रिपेयर करने का या फिर स्प्रूस अप करने का। ठीक है, यहाँ पर ये थोड़ा सा रिपीट हो गया है, सो यू कैन इग्नोर दीज पॉइंट्स। तो नेक्स्ट क्या आता है, देखिए अब बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो थे वो प्रोड्यूस किए जा सकते थे ओनली विद द हैंड लेबर, लेकिन देखिए अब आप मशीन तो लेके आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी की मदद से यू हैव स्टार्टेड द प्रोडक्शन, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि आपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन तो कर दिया है, लेकिन कुछ चीज़ें जिनकी वैल्यू या जिनकी फिनिशिंग या उनकी जो मतलब एक यू नो कैरेक्टरिस्टिक जो हैंड लेबर की वजह से है, वो चीज़ मशीन नहीं कर सकती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनका जो काम मतलब आप सिर्फ हाथ से कर सकते हैं, मतलब उनका जो फिनिशिंग होता है, उनका जो मतलब मेन जो क्वालिटी होती है, वो इसीलिए होता है क्योंकि वो हैंडमेड होती हैं। हैंडमेड चीज़ों की वैल्यू, उनकी जो प्राइस होता है वो एक्सपेंसिव होता है, ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द मशीन वर्क। तो कुछ चीज़ें हैंड लेबर ही थी। अब जो विक्टोरियन ब्रिटेन था, ठीक है, अपर क्लास यानी कि जो रॉयल क्लास था, जो एक हाई इनकम क्लास था, एरिस्टोक्रेट्स थे, जो बुर्जुआ क्लास था, बुर्जुआ होता है मतलब आपके जो हाई लेवल क्लास होती है, वो प्रेफर्ड कौन सी चीज़ें करते थे, हैंडमेड चीज़ें करते थे। क्यों? क्योंकि देखिए वो क्लासी पीपल होते हैं, उनको एक शो ऑफ एटीट्यूड होता है कि मतलब हम लोगों ने इतना एक्सपेंसिव पहना है, तो वो लोग जो मतलब एंटीक चीज़ें होती थी उनको प्रेफर करते थे, यानी हैंडमेड चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करते थे। तो हैंडमेड प्रोडक्ट्स जो थे वो सिंबलाइज किस चीज़ को, क्या सिंबलाइज करते थे, रिफाइनमेंट और क्लास को। यानी मैंने बताया ना, क्लास मतलब वो एक्सपेंसिव होते थे, तो जो मतलब अमीर लोग हैं वही उसको अफोर्ड कर पाएंगे, और रिफाइनमेंट मतलब क्योंकि वो हाथ से बनाया हुआ है तो उसके क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। फिर इनकी बेटर फिनिश्ड होते हैं, मतलब इनकी फिनिशिंग जो होती है बहुत अच्छे तरीके से होती है, और फिर इंडिविजुअली उसको बनाया जाता है, केयरफुली डिज़ाइन किया जाता है। मशीन मेड गुड्स तो होते हैं वो क्या करते थे, वो एक्सपोर्ट करने के लिए बनाए जाते थे। कहाँ पर एक्सपोर्ट करते थे, उसको कॉलोनीज में एक्सपोर्ट करते थे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ एक्स्ट्रा बताना चाहती हूँ। देखिए यहाँ पर हम लोग अपना थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं कोयले का, कि देखिए जो कोयले का क्या इंपॉर्टेंस था इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस इन इंग्लैंड। तो कोयले ने क्या रोल प्ले किया था, देखिए कोल जो था सबसे पहले जो मतलब प्लस पॉइंट था इंग्लैंड के साथ, वो ये था कि कोल जो था वो अवेलेबल था नियर द सरफेस, यानी जो सरफेस है, जैसे मान लीजिए लैंड है, अब ये लैंड का मतलब ये जो है ये बॉटम बॉटम पार्ट है, तो जो कोयला था वो यही कहीं सरफेस के पास जो था वो अवेलेबल था। तो आपको मतलब जो डिगिंग करनी थी, जो खुदाई करनी थी, वो बहुत ज़्यादा डीप में नहीं करनी थी, आपको सरफेस के पास ही कोयला अवेलेबल था। सेकेंड जो कोल का मेन रोल था वो ये था कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कोल जो था वो पाया गया था इंग्लैंड में, तो पूरे इंग्लैंड का कोल एक तरफ था और बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज थी उनका कोल एक तरफ था। फिर चीपर था कोल देन अदर हीट सोर्सेज, यानी जो अदर हीट सोर्सेज थे जैसे वुड हो गया या मतलब जो भी एनर्जी सोर्सेज थे, उनसे सस्ता था कोयले को जलाकर एनर्जी लेना। ठीक है, तो अब इससे देखिए जब आप क्या बोलते हैं कोयले को जला के एनर्जी लेंगे, ठीक है, लकड़ी का इस्तेमाल करेंगे, वुड का यूज़ करेंगे, तो ऑब्वियसली फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन तो होना ही होना है। लकड़ी के लिए ऑब्वियसली यू नीड टू कट द फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट कटेंगे तो डिफॉरेस्टेशन होगा, और उसी का इम्पैक्ट जो है धीरे धीरे करके क्लाइमेट पर दिखाई देगा। फिर जो रूडीमेंट्री स्टीम इंजन था, ये फर्स्ट इन्वेंट इसीलिए किया गया था ताकि जो कोल माइंस हैं उसमें, देखिए कोल माइंस में क्या होता था, पानी भर जाता था, ठीक है, बारिश की वजह से या कोई भी रीज़न की वजह से, तो जो पहला इंजन
था स्टीम इंजन, रूडीमेंट्री जो स्टीम इंजन था वो इसीलिए बनाया गया था कि जो कोल माइंस में पानी भर जाता है इसको पंप करने के लिए, वाटर पंप करने के लिए, यानी कि पानी को उस माइन से बाहर निकालने के लिए, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा इसको बाद में धीरे धीरे करके जेम्स वॉट ने, जेम्स न्यूकमन ने और उनके जो फ्रेंड थे बॉल्टन, उन्होंने इम्प्रूव किया था। फिर जो आयरन का प्रोडक्शन था कॉमर्शियल लेवल पे, वो बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में किया जा सकता था, ठीक है, कोल की वजह से। इससे क्या हुआ, रेवोल्यूशन हुआ मशीन्स, टूल्स में, ट्रेन्स में और बहुत सारे अंदर इंडस्ट्रीज के लिए यहाँ पर रॉ मटेरियल तैयार हुआ था, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है इसमें, देखिए लाइफ ऑफ द वर्कर। अब हम लोगों का मेन जो मतलब चैप्टर के जो टचिंग पॉइंट्स है वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं। वर्कर्स की लाइफ कैसी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए, क्योंकि यहाँ पर हम बात वर्कर्स की नहीं कर रहे हैं, हम इंसानों की बात कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो इंसान थे जो अपना घर छोड़ के काम की तलाश में, जॉब की तलाश में सिटी एरिया में रह रहे थे, कुछ को जॉब मिलता है, कुछ को नहीं मिलता है, तो अल्टीमेटली उनकी जो लिविंग कंडीशंस थी वो क्या थी। वर्किंग कंडीशंस तो पैथेटिक होनी ही है, क्योंकि उस टाइम पूरा का पूरा जो डोमिनेशन थी वो मतलब कुछ ही के हाथ में थी, जो कैपिटलिस्ट थे उन्हीं के हाथ में सारी पावर्स थी, चाहे वो रिसोर्सेज नेचुरल हो या फिर मतलब नेचुरल क्या, जो प्रोडक्शन रिसोर्सेज थे, इनपुट्स थे, लेकिन उनकी जो लिविंग स्टाइल था वो भी बहुत ज़्यादा पिटिएबल था, बहुत ही ज़्यादा माइजरेबल था। अब देखिए लेबर की जो अबंडेंस थी, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेबर मिल रहे थे, तो ऑब्वियसली जब सप्लाई ज़्यादा होगी तो उस चीज़ की वैल्यू कम हो जाएगी, तो उनकी लाइफ पे इस चीज़ का बहुत इंपैक्ट पड़ा, क्योंकि क्वांटिटी जो थी लेबर की वो इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा हो गई थी। अब जब नई जॉब पॉसिबल लगा लोगों को, कि वहाँ पर नई नई इंडस्ट्री खुल रही हैं, फैक्ट्रीज खुल रही हैं, तो वो लोग काम की तलाश में अपना घर छोड़ के कंट्री साइड आते हैं, ठीक है, काफ़ी लोग आए और सिटीज़ में मतलब रहना उन लोगों ने स्टार्ट किया। एक्चुअल जो मतलब पॉसिबिलिटी थी ना, तो मतलब कि किसको काम मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, ये डिपेंड करता था एग्जिस्टिंग नेटवर्क ऑफ द फ्रेंडशिप, यानी कि देखिए काम किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा ये किस बात पर डिपेंड करता था, कि किसी का कोई जानकार, कोई रिलेटिव हो, कोई फ्रेंड हो या कोई भी नेबर हो, अगर वो पहले से ही उस फैक्ट्री में काम कर रहा है तो उस पर्सन को काम मिलने के चांसेस, जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक आपके लिए मीडिएटर, एक मिडल मैन आपके लिए बात करता है आपकी जॉब के लिए, तो उस पर्सन के लिए जॉब चांसेस बढ़ जाते थे। फिर अगर आपका रिलेटिव या फ्रेंड उस फैक्ट्री में है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको जॉब जो है वो बहुत जल्दी मिल जाएगी। लेकिन हर किसी का कोई कनेक्शन ज़रूरी तो नहीं है, सबके रिलेटिव हों, सबका दोस्त हो, सबका कोई ना कोई जानकार किसी फैक्ट्री में या शहर में काम कर रहा हो, तो बहुत सारे जो नौकरी ढूंढने वाले थे, जो जॉब सीकर्स थे, उनको वेट करना पड़ता था, कहीं कहीं हफ्ते लग जाते थे नौकरी ढूंढने में। अब देखिए जब नौकरी नहीं मिलेगी तो कोई घर भी नहीं, कोई आपके पास रहने का अरेंजमेंट भी नहीं होगा, तो बेचारे वो क्या करते थे, अपनी जो मतलब रात को बेचारे कहीं कोई ब्रिज के नीचे सो जाता था, पुल के नीचे सो जाता था, कोई फुटपाथ पे सो जाता था, कोई नाइट शेल्टर में सो जाता था, मतलब जिसको जहाँ समझ में आता था वो बेचारा वहीं पर अपनी नाइट्स को अपना टाइम को स्पेंड करता था। कुछ बेचारे जो नाइट रेफ्यूजीज होते थे वहाँ पर अपना टाइम बिताते थे, जो कुछ बेचारे प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो फिलंथ्रोपिस्ट होते हैं वो लोग बना देते हैं ना, तो कुछ बेचारे वो जो शेल्टर हाउस होता है वहाँ पर रहते थे, कुछ कैजुअल जो वार्ड्स होते हैं जो पुअर लॉ अथॉरिटीज़ जो बनाती है वहाँ पर टाइम बिताते थे। तो ओवरऑल मतलब ये पिक्चर जो थी वर्कर्स थी की वो बहुत ज़्यादा पुअर पिक्चर थी। ओके, तो नेक्स्ट इसमें आता है, आप देखिए विदाउट वर्क, तो विदाउट वर्क आपकी कंडीशन क्या होगी, ऑब्वियसली ये देखो ये दिखा रहे हैं यहाँ पर कि बेचारे कैसे मतलब कैसे लोग घूम रहे हैं, कोई भी मतलब कुछ ये कंस्ट्रक्शन में लगे हुए हैं, जिसको जहाँ काम मिल रहा है, जिसको जो समझ में आ रहा है वो उसमें बिजी हो गया है। फिर नेक्स्ट क्या होता है, देखिए अब जो अनएम्प्लॉयमेंट का डर था, जो बेरोजगारी, जो नौकरी ना मिलने का डर था, उसने क्या किया, वर्कर्स को हॉस्टाइल कर दिया, मतलब वर्कर्स ने मतलब दे पीपल वेंट अगेंस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी, मतलब उन लोगों ने नई टेक्नोलॉजी को अगेंस्ट किया, उसको प्रोटेस्ट किया, वो खुश नहीं थे नई टेक्नोलॉजी से, मतलब मशीनों के आने से। तो जब स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हुआ था, इंट्रोड्यूस की गई थी वुलन इंडस्ट्री में, तो जो वेमेन थी जो मतलब हैंड स्पिन के थ्रू काम कर रही थी, उन्होंने इन नई मशीनों पर अटैक किया, मतलब उन्होंने बहुत ज़ोर से इसका विरोध किया। अभी जो कन्फ्लिक्ट हो रहा था इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू जेनी, जो नई मशीन आई थी, ये बहुत लंबे टाइप तक रहा, मतलब ये जो कॉन्फ्लिक्ट था बिटवीन द टेक्नोलॉजी एंड द मैन ह्यूमन लेबर, ये जो कॉन्फ्लिक्ट था बहुत लंबे टाइम तक रहा था। नेक्स्ट इसमें आता है कि देखिए अब यहाँ पर मैंने एक इमेज ली है, स्पिनिंग जेनी मशीन है ये, इसमें स्पिंडल्स हैं, ठीक है, और यहाँ पर इसमें क्या होता है कि देखिए स्पिनिंग जेनी कौन सी मशीन होती है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए स्पिनिंग जेनी मशीन बनाई किसने थी और कब बनाई थी। क्वेश्चन सीधा आपके सामने तैयार है। स्पिनिंग जेनी मशीन जो थी, इट वॉज डिवाइज्ड बाई जेम्स हरगीव्स
हरगीव्स ने मशीन बनाई थी स्पिनिंग जेनी 1764 यानी कि मिड 18th सेंचुरी में ये मशीन बनाई गई थी। ठीक है, ये मशीन क्या करती थी, इसने स्पीड अप कर दिया था स्पिनिंग का जो प्रोसेस था, धागे को कातने का जो प्रोसेस था उसको स्पीड अप कर दिया था, उसकी स्पीड बढ़ाती थी और जो लेबर की डिमांड थी, ऑब्वियसली अब मशीन स्पीड से काम कर रही है तो लेबर की डिमांड तो रिड्यूस ही होनी है। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, एक इसमें सिंगल व्हील लगा हुआ होता था देखिए जैसे आप ये देख रहे हैं एक सिंगल व्हील लगा हुआ होता था और ये क्या करता था, सारा का सारा तो मतलब इसमें पूरा का पूरा मूवमेंट होता था ये सिंगल व्हील कर देता था और इसमें बहुत सारे जो थ्रेड्स होते थे उसको एक ही टाइम पर स्पिन किया जा सकता था। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसकी इमेज है, थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। फिर यहाँ पर मैंने एक जेम्स वॉट की इमेज दी है जिन्होंने जो न्यूकमैन का स्टीम इंजन था उसको इम्प्रूव किया था। ओके, सो इसके साथ ही हम अपने इस लेक्चर को यहाँ पर वाइंड अप कर देते हैं, इसके आगे के जो फर्दर पार्ट्स होंगे वो मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में आपके सामने प्रेजेंट करती हूँ। तो जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं, सजेशंस हैं, कुछ भी आप लोगों को पूछना है रिगार्डिंग दिस लेक्चर और रिगार्डिंग दिस चैप्टर, अभी क्योंकि हमारी सीरीज चल रही है इस चैप्टर की, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आगे के फर्दर कंटेंट के साथ। थैंक यू।